बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं, लेकिन इससे पहले बस एक बात यह है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नए प्रदेश प्रभारी के आने के बाद से झारखंड कांग्रेस लगातार रेस नजर आ रहा है। सूबे के सभी 5 प्रमंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 प्रमंडल हो चुके हैं और आज बारी पलामू प्रमंडल की है। पलामू नगर भवन में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत सभी कार्यकारी अध्यक्ष, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य और बड़े नेता यहां शिरकत करेंगे। जहां कार्यकर्ताओं से पार्टी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश होगी, सरकार के साथ संगठन का तालमेल कैसे बढ़ाया जाए, मंत्रियों के कामकाज, सदस्यता अभियान को लेकर गति देने, संगठन मजबूती जैसे तमाम प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए भी बेहद खास है कि 2 दिन पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने, नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया है और इसका असर पूरे देश में पार्टी वर्कर्स पर पड़ रहा है। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस अब अपने खात्मे की तरफ है, यानी भाजपा का जो एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें भाजपा आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उनमें फिर से उम्मीद जगाना यह आसान काम नहीं है। तो सदस्यता अभियान को गति देने, संगठन मजबूती पर चर्चा होनी है आज पलामू प्रमंडल में। अविनाश पांडे सरीखे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शरीक होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रमंडल स्तरीय प्रतिनिधि पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन इसी मेदिनीनगर के नगर भवन में किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल है जिसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मंच है और यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और जो यहाँ पे कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो है यहाँ पे जो इस संवाद कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम जो पार्टी के आला अधिकारी हैं, सुबोध कांत सहाय पहुंचेंगे यहाँ पे, मंत्री बादल पत्र पहुंचेंगे और कई जो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर के पूरी यहाँ पे जो कार्यक्रम की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुर्सियाँ भी लगा दी गई है। तो कल श्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी और प्रदेश के मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण सब इकट्ठे होंगे। ये कंप्लीट कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आम लोगों का सम्मेलन नहीं है। जन संवाद कार्यक्रम इसका नाम दिया गया। ज़्यादा काफ़ी उत्साह है यहाँ पलामू प्रमंडल वासियों में। ये एक जो कार्यक्रम होगा ये कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में 2024 जो मिशन है हम लोगों का उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और हम लोग दिन रात लग करके इस कार्यक्रम को एक प्रारूप देने के लिए लगे हुए थे जो आज पूरी हो गई है। बहुत खुशी है हम लोगों में कि हम लोगों के यहाँ आज इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहुँच रहे हैं उनको लेकर के खासा उत्साह है और लोगों। नीलकमल, न्यूज 11 भारत, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।